हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बाड़मेर जिले के धोरी मन्ना में तस्करों की गैंगों ने गुरुवार देर रात से लगातार लगभग 18 घंटों की अवधि में धोरी मन्ना और गुड़ा मालिनी क्षेत्र में 3 बार फायरिंग की घटना को अंजाम देकर इलाके में दहशत फैला दी। वहीं पुलिस के भी हाथ पांव फुला दिए। तस्करों की फायरिंग में पुलिस ने असक्रियता दिखाते हुए 3 जनों को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन फायरिंग में एक युवक को अपनी जान गंवानी पड़ी। वहीं एक युवक गंभीर घायल हो गया, जिसका इलाज सांचौर के अस्पताल में चल रहा है। गुरुवार देर रात तस्करों के बीच दूधू में हुई फायरिंग में पूनम चंद के पेट पर गोली लगी थी, जिसे इलाज के लिए सांचौर और उसके बाद अहमदाबाद रेफर किया गया, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं गुड़ा मालिनी के रामजी का गोल राज होटल के सामने शुक्रवार सुबह करीब 10 बजे तस्करों द्वारा फायरिंग करने वालों की सूचना पुलिस थाने में मिली। जानकारी अनुसार सूचना के बाद पुलिस की ओर से कई टीमों ने तस्करों की तलाश शुरू कर दी। पुलिस ने रामजी का गोल हाईवे से होते हुए सांचौर, हेमागुड़ा, सिंधासवा, हरियाणा से गुड़ा मालिनी मुख्य बाजार में ग्रामीणों और पुलिस की मदद से गिरफ्तार किया, जिसमें स्कॉर्पियो में सवार 5 लोग गाड़ी को छोड़कर भाग खड़े हुए। पुलिस ने दुपहिया वाहनों से पीछा कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान पुलिस की गाड़ी को भी नुकसान पहुंचा। बाड़मेर से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।